रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ रिश्तों के खिलते हैं कवल, हंसते गाते हैं सारे पल। यहाँ मिलजुल कर सभी जीते हैं, आंसू भी बांट के पीते हैं। यहाँ प्यार बरसता है चारों, फिर भी दिल मांगे मो, ये दिल मांगे मो, ये दिल मांगे मो। हाय, बोलिए अब क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर ज्योति? हेलो भैया, आप इधर हैं? चलिए ना, केक कट करना है, गेस्ट इंतजार कर रहे हैं। हम तुम्हें पता है, जब हम पहली बार मिले थे तो मुझसे एक गलती हो गई थी। वो गलती ये थी कि मुझे तुम्हारा वो पुश्तैनी नेकलेस देख के लगा कि तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है, पर असल में तुम्हारा बहुत ही पुअर टेस्ट है। ये पिंक कलर की लिपस्टिक, ये 90s का हेयर स्टाइल और ये पुराने जमाने की ड्रेस, सर से पैर तक तुम भी पुश्तैनी ही लग रही हो आज। एक्चुअली तो मुझे कंफ्यूज कर रही हो। हाँ हाँ, क्योंकि ये 90s का हेयर स्टाइल, ये 90s की ड्रेस, इसकी अभी अभी तारीफ कर रहे थे मेजर आर्यन। आलू भैया औरतों की बहुत इज्जत करते हैं, उन्होंने तुम्हें अच्छा फील करवाने के लिए कह दिया होगा, लेकिन सच बात तो ये है कि आज तुम 90s की हीरोइन से भी बहुत ज्यादा पुरानी लग रही हो इस गेटअप में। थैंक गॉड तुम मेरी कोई रिश्तेदार नहीं हो, अदरवाइज मेरे फ्रेंड्स तो मुझे बॉयकॉट ही कर देते। एनीवेज, गेट लॉस्ट। भाभी, ये ड्रेस ठीक तो लग रही है ना? ये लिप कलर जा रहा है ना इस पे? ज्यादा तो नहीं लग रहा? लग तो रही है, ओवर कम कर देती हूँ। बताओ ना क्या करूँ, क्या पहनूँ मैं? तो तुम्हें सिर्फ ये सोचते रहना है कि आर्यन की बहन तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। आर्यन की बात नहीं करनी तुम्हें? नहीं करनी है ना, बल्कि अब तो सिर्फ उन्हीं की बात करनी ना। कुछ बोल के आई हूँ ना उन्हें तो फिर से लड़के आ गए। नहीं, I love you बोल के आई। क्या सच में? पर उन्होंने मुझे पलट के कुछ बोला ही नहीं। डिटो, मी टू, ऐसा कुछ भी नहीं। I love you बोलने में 2 सेकंड लगते हैं और I love you too बोलने में 3 सेकंड, और उनकी बहन के आने से पहले उनके पास 30 सेकंड थे, इतना सारा टाइम, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। ओहो ज्योति, हो सकता है 30 सेकंड तुम्हारे लिए ज्यादा हो, पर उसके लिए नहीं। लड़के इतने फास्ट नहीं होते, उन्हें टाइम लगता है अपनी फीलिंग समझने में, अपने दिल की बात अपने जबान पर लाने में। तुम्हारे भैया भी तो ऐसे ही थे। हाँ, शादी की रात के बाद सीधे पहली सालगिरह पे आई लव यू कहा था, इसलिए आर्यन क्या कहता है ना, तुम उस पर मत जाओ, वो क्या करता है तुम उस पर गौर करो, क्या पता इसी में इसके प्यार का राज छुपा। Yes, I'll get back to you. मैं actually थोड़ा busy हूँ, मैं बाद में call करता हूँ. Okay. डॉक्टर ज्योति ने गिफ्ट तो लाया था, लेकिन कहीं दिख क्यों नहीं रहा है? डॉक्टर ज्योति कश्यप ने दिया है ना ये गिफ्ट है ना? अच्छा, मैंने देखा ही नहीं था। गंगू, अरे दादी हूँ मैं तेरी, मुझसे लुका छुपी नहीं खेल पाएगा तू बुद्ध। अरे जिस तरीके से तुम एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे ना, उससे सबको पता चल गया होगा, जरूर इन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ है। हाँ? अब अनजान मत बन मेरे सामने। हाँ,
दादी किसने क्या देखा क्या सोचा मुझे उस पर फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर ज्योति और मेरे बीच में कुछ नहीं हो सकता। नहीं ऐसा हो सकता कि शायद जो आप सोच रही हैं, जो कह रही हैं वो सही है कि मैं और डॉक्टर ज्योति एक दूसरे के लिए नहीं बने। ओफो, लाइट्स कैसे चली गई? दादी रुकिए मैं कैंडल लेके आता हूँ। एक मिनट, मेरे पास लाइट है बेटा, एक सेकंड। अरे क्या तू बेटा, रोशनी तेरे हाथ में है और अंधेरा भगाने के लिए तू मोमबत्ती ढूंढने जा रहा है। देख रोशनी तो है, तेरी फोटो है, लगता है। एक मिनट। अरे वाह, ये तो बहुत सोना है। देख बेटा, तू चाहे जो भी कहे लेकिन मेरी बात सुन, ज्योति ही वो रोशनी है जिसे तेरी जिंदगी में उजाला बनकर आना चाहिए। बेटा मैंने मैंने उसकी आंखों में सच्चा प्यार देखा है तेरे लिए। उसे अपनी जिंदगी से दूर हटाने से पहले बेटा 100 बार सोच ले। I love you, आर्यन। मुझे आपसे प्यार कब हुआ वो पल मुझे याद नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ, मैं जो आपके लिए महसूस करती हूँ मैंने पहले कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया। ज्योति अपने कमरे में भी मोमबत्ती जला देना बेटा। हाँ माँ, वही कर रही हूँ। ज्योति ही वो रोशनी है जिसे तेरी जिंदगी में उजाला बनकर आना चाहिए। बेटा मैंने मैंने उसकी आंखों में सच्चा प्यार देखा है तेरे लिए। उसे अपनी जिंदगी से दूर हटाने से पहले बेटा 100 बार सोच ले। तो मेरा दिया हुआ गिफ्ट है। अच्छा आर्यन ने इसे, आर्यन क्या कहता है ना, तो उससे मत जाओ। वो क्या करता है तो उस पर गौर करो। क्या पता इसी में इसके प्यार का इजहार छुपा। अभी सही कह रही थी, मुझे आपके शब्दों को नहीं आपकी खामोशी को सुनना चाहिए। वहां पे आप मुझसे वही कहते हैं जो मैं सुनना चाहती हूँ। चलो लाइट आ गई। क्या रहा है? आर्यन ये क्या, नाश्ते में सिर्फ सेब, सिर्फ एक सेब खाएगा तू? कैसे चलेगा ऐसे, चल नाश्ता कर। मेरी बात तो सुनिए, मैं हेडक्वार्टर्स के मेस में नाश्ता कर लूंगा। वाह,
फैमिली के साथ में रहते हुए तू मेस में नाश्ता करेगा? ऐसा नहीं चलेगा, चल चल चल। मम्मी बात सुनिए। नहीं, नाश्ता किए बहुत लेट हो गया। बचपन से जिद करता है। गर्मा गर्म नाश्ता। अरे वाह, आलू के पराठे। अरे ये तो आर्यन के फेवरेट हैं, है ना आंटी? तभी तो मैंने ये नाश्ता बनाया है। बट आर्यन सॉरी, थोड़ा लेट हो गई। अरे कहाँ लेट हो गई बेटा, परफेक्ट टाइम पे आई है। चल अब बहाना मत बनाना, चुपचाप से आलू के पराठे खा ले। बेचारी ने ना सुबह से किचन में इतनी मेहनत से बनाए। चल चल कोई बहाना नहीं, चल नाश्ता करके निकलेगा तू। थैंक गॉड आर्यन, तुम्हें ये अभी भी पसंद है। आलू के पराठे किसे नहीं पसंद। अंतरा सिंह को, वो क्या है ना, सुबह सुबह इतने घी और इतना कार्ब्स मैं नहीं खा सकती। भाई की तरह हर दिन वर्कआउट जो नहीं करती। जानती हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे लिए इससे ज्यादा हेल्दी नाश्ता बनाया है। ब्रेड टोस्ट और देसी मुर्गी के अंडे, प्रोटीन ही प्रोटीन। यम्मी, आई डोंट नो इतने छोटे से टाउन में ये सब भी मिलता है। क्यों नहीं मिलेगा, ढूंढने से तो भगवान भी मिलता है। तो अपने घर वालों की मनपसंद चीज ना मिले, ऐसा हो सकता है? पारुल, तुम जो द्वारा घाट के बारे में इतना सब कुछ जानती हो, तो एक फेवर चाहिए था तुमसे। वो वाचरी दादी की दवाइयां खत्म हो गई हैं। तो अगर तुम मंगा सको, यहाँ पास में चौराहे पे एक दुकान है। टेंशन मत लो, मैंने एक शॉप से बात कर ली है, वो घर में डिलीवर कर देंगे। वाह, प्रॉब्लम होने से पहले ही सॉल्व कर दी। तुम तो जादूगरनी हो पारुल, ये जादू की छड़ी छुपा के कहाँ रखी है तुमने? अगर मैंने छुपाई है तो मैं बताऊंगी क्यों। आलू भैया, किस मिट्टी के बने हो आप, जो आपको इतनी हॉट लड़की के लिए अभी भी सोचना पड़ रहा है? अंतरा प्लीज, तुम ये बार बार मत बोला करो, और आर्यन को ऐसे प्रेशराइज मत करो, वो आर्यन ऑकवर्ड हो जाता है, और जब वो ऑकवर्ड होता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं इतने टाइम बाद तो यहाँ पे छुट्टी लेकर आई हूँ आप सबके साथ टाइम स्पेंड करने, तो मैं नहीं चाहती मेरी छुट्टियाँ वेस्ट हो। मैं कुछ दिन यहाँ रहूंगी तो तभी तो आर्यन को एक नई सुलझी हुई पारुल मिल पाएगी, और क्या पता उसके बाद आर्यन को मुझे देखने का नजरिया बदल जाए। ना आर्यन? देखा आंटी कितना ऑकवर्ड हो गया। आर्यन में मजाक कर रही, देखा इसके गाल किसी टमाटर की तरह लाल हो गए। बातों बातों में तो मैं भूल गई, मैंने आपकी फेवरेट साबुदाने की खिचड़ी भी बनाई है, मैं लेकर आती हूँ। हाँ अभी भी सोच ले आर्यन, मैं तो यही कहूंगी कि पारुल तेरे लिए एकदम परफेक्ट लड़की है। एक बार फिर से सोच ले, कोई दबाव नहीं है तेरे पे, ठीक है? चल नाश्ता कर। मम्मी मेरा पेट भर गया, अब प्लीज पारुल को मेरी तरफ से थैंक यू कह देना। चलता हूँ। ओए मोना, मैंने तो पहले ही कहा था अपनी कुड़ी को इतनी ढील ना दे। वो तो घंटे के लिए कमरे में बंद रखेगी ना, अपने आप अकल ठिकाने आ जानी उसकी। हाँ और क्या, चल बाद में बात करती हूँ तेरे साथ, ठीक है? हाय पुत्र, तूने तो कुछ खाया ही नहीं अभी तक, और स्पेशली तेरे लिए तो बनवाया है मैंने सारा कुछ, खा पुत्र। नहीं आंटी, मुझे भूख ही नहीं है। ये ऐसे कैसे पुत्र, जलेबी तो खा 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 मेरे पुत्र खा। और मेरी सेली मोना, उसका फोन था, उसकी कुड़ी ना लव शव के चक्कर में पड़ गई है, वो शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। मैंने भी कह दिया वो कमरे में बंद कर दे, अपने आप अक्कल ठिकाने आ जानी है। काश मैं अपने वरुण की भी अक्कल ठिकाने ला पाती, उसे शादी के लिए मना पाती, पर आए मेरे फूटी किस्मत, मान ही नहीं रहा है वो तो। जी आंटी, आजकल के बच्चों का भलाई का भी सोचो ना, तो बुरा मान जाता है ना, तुझे भी लगता है ना। देख मुझे पता था, तू मेरे पुत्र को बहुत चंगी तरह से जानती है ना पुत्र? हाँ आंटी, वो वरुण और मैं अच्छे दोस्त है ना। वही तो, वो तो फिर दोस्ती का फर्ज निभाना। मेरे वरुण के लिए सुंदर सुशील प्यारी सी लड़की ढूंढने में
मेरी मदद करना पुत्र। जरूर आंटी, क्यों नहीं, मैं ढूंढूंगी उनके लिए एक अच्छी सी लड़की। हाय कितनी प्यारी है ना तू, बड़ी सोनी लड़की है तू। चल इसी बात पे हम ना मुंह मीठा करते ही। चल मैं पुत्र मुंह मीठा कर, मुंह खोल ना खा। डॉक्टर ज्योति। अरे क्या हुआ? शिवेश एक फौजी हो तुम, एक छोटे से एंगल मुझ पे इतना बवाल मचा रहे हो। अरे सर सब मर्द आपके जैसे नहीं होते, किसी किसी मर्द को दर्द भी होता है। जैसे मुझे हो रहा है। अब चलिए मैं लेके चलती हूँ, आइए आराम से आराम से आराम से। अरे अरे आराम से, एक मिनट। अब करना तू एक्सरे टीम को बुला, मैं तब तक बैंडेज कर देती हूँ। सॉरी यार ज्योति, पर मेरा एक पेशेंट इमरजेंसी में, तू प्लीज यहाँ देख ले। डॉक्टर ज्योति, मेजर आर्यन को अंदर बुला लीजिए ना प्लीज, वो आपके हेल्प कर देंगे। क्या? अरे आपकी और मेजर आर्यन की बात हो सके इसलिए मैंने अपना पैर मुड़वा लिया। क्या सच में? हाँ अब बुलाइए ना। तुम एक नंबर के डफर हो। अरे एक मिनट, इस बेहुदे प्लान में करुणा भी तुम लोगों के साथ है? हाँ हाँ, अभी जी के क्विज बाद में खेल लेना, मुझे सच में दर्द हो रहा है। अच्छा सुनो, मुझे जाने से पहले ना बेहोशी का इंजेक्शन दे दो ताकि मैं और आप और मेजर अच्छे से बात कर पाओ। तुम सब ना एक नंबर के गधे हैं और सबसे बड़ा वाला मैं हूँ। अब प्लीज जल्दी कीजिए ना, मुझे दर्द हो रहा है। अब मेजर आर्यन, एक्चुअली मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। कोई असिस्टेंट नहीं है और ये एक इंसान का काम नहीं है, तो क्या आप? नो, चल। इनका पैर से पकड़ी, मैं बैंडेज लगा। लगता है दर्द थोड़ा कम है। मैं डैमन क्यों मैं बहकता हूं उससे सामने, क्यों एक खिंचाव एक देखा सा एहसास महसूस करता हूं मैं उससे। नहीं नहीं ये सही नहीं यार, तुझे रुकना होगा। तो ऐसे ज्योति के फीलिंग्स क्या नहीं खेल सकता, तू कर उसे खुश नहीं कर सकता, उसे दुख देने का भी कोई हक नहीं है तुझे। डॉक्टर ज्योति, मेजर आर्यन को अंदर बुला लीजिए ना प्लीज, वो आपके हेल्प कर देंगे।
रहे हैं आपकी और मेजर आर्यन की बात हो सके, इसलिए मैंने अपना पैर मुड़वा लिया। जासूस, आप यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारा इंतजार कर रही थी डॉक्टर ने। चलो मुझे अंदर ले चलो। और आपके हेल्पर कहाँ है? उसे अंदर भेज दिया। चलोगी भी या यहीं खड़े खड़े बातें करोगी? धूप में मैं काली हो जाऊंगी। अब इस जासूस आप भी ना, इतनी मॉडर्न होने के बावजूद ऐसी पुराने जमाने वाली हरकतें कर रही। अरे मुझसे बात करनी थी, मुझे कॉल कर लेती। ऐसे सड़क पे व्हील चेयर रिस्की है ना। हाय हाय डॉक्टर ने, ऐसी मीठी मीठी डांट ना मेरे कानों में रोज पड़ेगी ना, तो मैं तो एकदम ठीक हो जाऊंगी। तूने एक काम कर, मेरे गुगु से शादी कर मेरे घर पर आ जा। फिर रोज मुझे ऐसे डांटती रहना, मुझे अच्छा लगेगा।